हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आप वीक में मात्र एक बार लगाएंगे तो आपको ना तो फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी ना ही सॉप की। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, 100% नेचुरल है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे। इस पैक को बनाने के लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही होंगे आपके घर में और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, बेहिचक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है मैं वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं ली हूँ आटे का चोकर, जो कि आटे को छानने के बाद लोग इसे बेस समझ के फेंक देते हैं। ये हमारे स्किन और हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चम्मच लिया है आटे का चोकर और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स एक चम्मच बेसन। तो बेसन तो आप लोग जानते ही हैं कि आपके चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, आपके चेहरे को फेयर करता है। बेसन एक क्लींजर होता है, नेचुरल क्लींजर, आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है। और ये जो मैंने चोकर का यूज़ किया है फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करेगा जो कि आपके चेहरे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो आप इस पैक को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक चम्मच यहाँ पर यूज़ किया है फ्रेंड्स गेहूं का आटा और इसे मैं दही में बना रही हूँ पैक। दही में बनाने से फ्रेंड्स आपके चेहरे पर जमी हुई मैल या आपके चेहरे पर डेड स्किन वगैरह आ गए हैं तो फ्रेंड्स कर्ड से रिमूव हो जाएंगे। और थोड़ा सा हमने रोज़ वाटर यूज़ कर लिया है और लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ हनी। हनी जो होता है आपके चेहरे पर एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाने आने से रोकेगा, रिंकल्स पिंपल्स आने से रोकेगा। ये एक एंटीबैक्टीरियल होता है फ्रेंड्स दही हनी, और ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो फिर इस जो है पैक को आपको अच्छे से थोड़ा चेहरे में अप्लाई करके आपको मसाज करना होगा और ये कम से कम आप 2 मिनट कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा। अगर आप तेज़ हाथों से भी करते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये जो चोकर है फ्रेंड्स ये सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से डीपली आपका चेहरा क्लीन होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं गुरुवार को सॉप या फेस वॉश नहीं लगाते हैं तो आप इस पैक को गुरुवार को ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपको पूरे दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सॉप या फेस वॉश नहीं यूज़ किया। और मैं भी इसे गुरुवार के दिन ही आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं लेट में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं सॉप या फेस वॉश नहीं लगाती हूँ, रेमेडी को ही यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद वही पैक हमने थोड़ा जो है डार्क लगा लिया था और जब वो सूख गया तो हमने उसे वॉश कर लिया। और लास्ट में मैं जो है ये आइस क्यूब है उसको अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि स्किन पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएं, आपकी स्किन पोर्स बंद हो जाएं, क्योंकि जब आप पैक लगाते हो तो स्किन पोर्स खुल जाते हैं तो उसको बंद करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और ऐसा अगर आप आइस क्यूब लगाते हैं तो आपकी स्किन टाइट रहेगी। और बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज हमने पूरे दिन सॉप या फेस वॉश का यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसे, किसी भी दिन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फ्रेंड।